thank you गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल चेतना की दुनिया आज का ब्लॉग स्टार्ट किया मॉर्निंग से देखिए मॉर्निंग में बस यहाँ पे शिवाय के लिए कर रही हूँ लंच पैक बनाए इसके लिए यहाँ पे चने की दाल वाले पुलाव और थोड़ा सा दे रही हूँ इसको एप्पल यहाँ पे कट करके नींबू डाल दिया था थोड़ा सा इसमें उससे क्या है काले नहीं पड़ेंगे और फिर ये खाएगा नहीं अगर काले पड़ गए तो यहाँ पे पीला था ये अपना मिल्क ये देखिए और बस स्कूल जाने की है तैयारी आज लास्ट डे जाएगा स्कूल इधर बनी सो रहा है और लास्ट डे जाएगा फिर इसके ऑटम ब्रेक्स स्टार्ट हो जाएंगे छुट्टियाँ और यहाँ पे हूँ मैं जिसकी हो रही है बहुत तबीयत ख़राब <laughs> तो बस क्या बताऊँ दो तीन दिन मेरे ऐसे निकले हैं ना कि कोल्ड और कफ़ इतना ज़्यादा और पूरा बॉडी पेन था इतना ज़्यादा फीवर था मुझे मैं बहुत ही परेशान भी हो रही थी मगर यही है बच्चे को उठाना है सुबह स्कूल भी भेजना है तो बस क्या करें छुट्टियाँ इसकी नहीं पड़ी थी ना और जितना फिर मैनेज करना होता है ना सब तो देखो करना ही पड़ता है एक हाउस वाइफ़ को और चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो उसके बाद धीरे धीरे मैं करके अपना झाड़ू निकालना शुरू हो गई थी क्योंकि इसके पापा आएंगे इसको छोड़ के उसके बाद नवरात्रि चल रहे हैं आज है नवरात्रि का फिफ्थ डे तो बस वो आके फिर पूजा कर देंगे और यहाँ पे देखिए बस ये जा रहा है अब स्कूल और यहाँ पे देखिए स्टेयर्स में मैंने लगाया एक छोटा सा मनी प्लांट और ये मैंने अपनी मेन एंट्रेंस पे बनाया हुआ है कुछ डिज़ाइन फ्लावर बनाए थे और ये एक्रिलिक कलर से बनाया था बहुत टाइम हो गया इसको तीन से ऊपर साल हो गए तीन साल से ऊपर अभी तक ऐसे का ऐसे ही बना हुआ है और ये देखिए दीदी के घर से लेकर आई थी प्लांट स्पाइडर का अभी तक टेबल पर रखा है इसको भी मैंने नहीं लगाया क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ दो तीन दिन से मेरी इतनी हालत ख़राब हुई है ना घर का काम जहाँ का कहाँ है वहीं रखा है और ये देखिए कपड़े धुले हुए रखे हैं यहाँ पे तय करने के लिए धीरे धीरे करके झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो ना तो उसके बाद देखिए नहा धो के मैं लगी हुई थी अपने कामों में और यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगी आज अपना बेडरूम को थोड़ा सा सेट बनी को मैंने दे दिया उधर उसके दादू के पास वो वहाँ पे लेट के आराम से अपना मिल्क पी रहा है तो उसकी बॉटल बना देती हूँ थोड़ी देर तब तक दादू के पास लेट जाता है यहाँ पे करूँगी अब मैं अपना बेड को अच्छे से क्लीन और यही है कि हिम्मत तो हो नहीं रही थी दो तीन दिन से ना घर ऐसा हो रहा है कि बस क्या काम करूँ और क्या नहीं बिल्कुल उठते के साथ ही ना इतना सर घूम रहा है कभी ठंडे पसीने आ रहे हैं कभी कुछ और इतना ज़्यादा कफ़ हो गया है कोल्ड हो गया है उस वजह से ना मेरे को बुखार उतर ही नहीं रहा था तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई मेरी और सोचा था कि अब चलो नवरात्रि आ गए धीरे धीरे करके अपने घर का मेक ओवर जो चीज़ें मुझे डेकोरेट करनी है दिवाली के लिए वो भी करना स्टार्ट करूंगी मगर मैं तो क्या डेकोरेट तो क्या घर की झाड़ू निकालना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और वही है ना कि घर में फिर जब अकेले हो ना तो कौन आपको क्या सपोर्ट करेगा हस्बैंड चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं चाय वाय बना लेते हैं बच्चों को देख लेते हैं मगर वो ये खाना बनाने के लिए और सफ़ाई करने के लिए तो उठना ही पड़ता है आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी धीरे धीरे करके यहाँ पे अपने बेड को देखिए मैंने पूरी बेडशीट बच्चे क्या करते हैं सारा दिन इसी पे खेलते हैं खाना पीना सब यहीं चलता है इनका कूद कूद के ना बस ऐसे ही कर देते हैं बेडशीट कितनी बार ऐसे मैं सही करती हूँ मतलब दिन भर में तीन से चार दफ़ा तो ना मेरा रोज का है ये बेड को सही करना और यहाँ की नहीं पापा जी के कमरे की भी तो ऐसे ही कर देते हैं कूद कूद के और बस ये देखिए यहाँ पर किया मैंने अपने बेड को सेट उसके साथ चला रखे थे मैंने माता रानी के भजन काफ़ी तेज़ आवाज़ में और यहाँ पे देखो बनी ने ना सिराने के ऊपर छुपाई हुई हैं दवाइयाँ अपनी आजकल इसका हाथ यहाँ तक पहुँचने लग गया है तो अपनी दवाइयाँ सिराने के ऊपर छुपा के आ गया इसको भी कोल्ड कफ हो रहा है बनी को शिवाय को दोनों को हो रहा है तो मैंने चला रखे हैं माता रानी के भजन दिन में बस यहाँ पे खाना बनाया इसके पापा भी खा चुके थे दादाजी वगैरह सब खा चुके हैं शिवाय स्कूल से आ गया उसने भी खा लिया अपने लिए बनाई आधा कप चाय यहाँ पे और मटर पनीर की सब्ज़ी है देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी से दो रोटी बनाई है बस पराठे वराठे नहीं बनाए आज गले में बहुत ज़्यादा दर्द है दो रोटी इसलिए बनाई क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है कुछ नहीं खा रही थी ना तो बस सर घूम रहा है बहुत ज़्यादा फिर क्योंकि फिर आगे सप्तमी का व्रत भी है और अष्टमी करेंगे हम लोग तो इस वजह से तबीयत को करना है मुझे ठीक और यहाँ पे किचन वगैरह सब सारा साफ़ कर चुकी हूँ स्लैब पे कपड़ा लगा दिया था बर्तन सारे धोने के लिए इकट्ठे कर दिए हैं दोपहर के मेड आ जाएंगी वो कर देंगी फिर बर्तन और यहाँ पे देखिए स्कूल से आके बैग रखा रहता है ऐसे का ऐसा क्योंकि लंच बॉक्स भी नहीं निकालता है कितना भी बोल दो शिवाय को लंच निकाल दो बेटा मगर नहीं स्कूल से आने के बाद तो बस ऐसे हो जाते हैं ना कि फ़ोन ले पड़े रहो या फिर टी का रिमोट दे दो हाथ में और इसकी चल रही है यहाँ पर वॉक ये देखो इधर से उधर इधर से उधर जाते ही मैंने अपना यहाँ पे ट्राईपॉड लगाया हुआ ना मोबाइल स्टैंड पूरा का पूरा जाके उसको हिलाता है अब लगा हुआ यहाँ पर देखो शूज़ में शूज़ रह के यहाँ घुसता है मतलब कितने भी टॉयज़ ला के दे दो ना बच्चों को मगर चाहिए क्या किचन के बर्तन शूज़ और सब कुछ उल्टा फुलटा सामान चाहिए इनको खेलने के लिए टॉयज़ नहीं चाहिए तो बस ये सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता है इधर से उधर उसके बाद सारा किचन का काम समेटने के बाद सबने खाना पीना खाया थोड़ी देर फिर मैं रेस्ट करने लगी थी क्योंकि पैरास्टामॉल ली थी मैंने उसके बाद कफ सिरप वगैरह भी लिया थोड़ी देर लेट गई थी उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से यहाँ पे टाइम हो गया था चार सवा चार के करीब टाइम हो रहा था शिवाय चला गया है ट्यूशन और मैं लग गई थी इन कपड़ों को तय करने क्योंकि देखिए अष्टमी पूजन भी आ रहा है और कपड़े इतने ज़्यादा फैले पड़े हैं ना दो बार के कपड़े हैं ये दो बार मशीन लग चुकी है कपड़े धुल के सूख चुके हैं मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इनको तय करने की क्योंकि सच में सिर्फ बैठ के तय ही लगाने और रखना ही है मगर मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही थी पता नहीं कैसा मौसम आया एकदम से ये है कि मौसम चेंज हुआ है ना वेदर ऊपर नीचे होता है तब भी हो ही जाता है मुझे और वायरल भी चल ही रहा है आजकल सबको क्योंकि पहले शिवाय को हुआ घर में उसने बनी को करा बनी से अब मेरे को हो गया तो वायरल फीवर था हम लोगों को तीनों को ही और इसके पापा को भी हल्का हल्का हो रहा है बट उन्होंने ये है टाइम से मेडिसिन ले ली हैं तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी खाना पीना खाने के बाद ये देखिए अब ये जाने की तैयारी में है ट्यूशन की तो ये ट्यूशन निकल जाएगा उसके बाद मैं इसको बोल रही थी कपड़े वगैरह चेंज कर ले और थोड़ा साफ बन के चला जा पता नहीं इस लड़के को सारा दिन बोलते रहो दिन भर में कम से कम तीन बार कपड़े चेंज होते हैं इसके और यही लगा रहता है इसका खेल कूद सारा दिन अभी कोई कपड़े जला लिए कभी फाड़ लिए आजकल तो बम पटाखों में लगा हुआ है मम्मी दिवाली आने वाली है दिवाली आने वाली है और मुझे काफ़ी सारे बम ला दो इसकी बस यही रट लगी हुई है अपने पापा से मुझे ऐसे वाले लाके दो वैसे वाले लाके दो और आजकल नवरात्रे चल रहे हैं ना तो यही है इसको मुझे मेले में कब लेके जा रहे हो आप ये बताओ अब मेले में क्या ले जाया जाए बस तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए तो कोशिश करेंगे जाने की <coughs> क्योंकि फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे को देखना साथ में बनी को लेके जाएंगे ओबेसली तो इस वजह से देखते हैं कब जाएंगे कब नहीं मेले में बाद में लग गई थी यहाँ पे सारे कपड़े लगाने के लिए ये जो छोटी वाली अलमारी है ये मैंने शिवाय की बना दी है इसी में इसके सारे कपड़े रखती हूँ सारी बुक्स वगैरह रखती हूँ ये देखिए और बाकी पापा जी के कपड़े लगा दिए थे यहाँ पे अपने कपड़े लगा रही हूँ अब ये चला जाएगा ट्यूशन तो बस इसके ट्यूशन जाने का हो रहा है टाइम और ये ट्यूशन जाएगा उसके बाद मैं थोड़ी देर फिर रेस्ट करूँगी तो यहाँ पे लगा हुआ है पता नहीं क्या इसको चाहिए क्या नहीं इसको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है कि यहाँ से मुझे क्या चाहिए देखो बड़े वाले स्टेपलर की पिन चाहिए इसके पापा भी आ गए थे साथ के साथ इन लोगों को इस वाल इस वाली अलमारी में ना मैंने छोटा मोटा सामान जो भी है ना वो सब रखा हुआ है तो वही सब निकालते रहते हैं यहाँ से और ये बोल रहे थे इसने एक भी पिन नहीं छोड़ी है स्टेपलर के अंदर तो मैं पिन निकाल के दे रही थी और इस शैतान को दे के चले गए मुझे ये देखो इसको बस ये है आजकल वॉकर में छोड़ो कहीं भी छोड़ो ना इसका आज बहुत ही ज़्यादा आजकल इसके लिए साथ रखना पड़ता है और बस यहाँ पे मैं इसको बोल रही थी कि मुझे पारी दे दो तो पारी नहीं दे रहा है मुझे मार रहा है तो बस इसके साथ लगी रहता है सारा दिन शैतानियों में ही देखो और सारा दिन कैसे बीत जाता है ना बच्चों के साथ पता ही नहीं लगता फिर ये ट्यूशन से भी आ गया था शाम को यहाँ पे आते के साथ ही बस देखो बैग फेंका और बस जाके देखना है अपना टी या फ़ोन उसके बाद मैं लग गई थी बस मैं थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया फिर मैं लगी हुई यहाँ पर अब रात के खाने की तैयारी में क्या बनाना है क्या नहीं तो हस्बैंड गए हुए थे सोयाबीन लेने मुझे ध्यान आया कि सोयाबीन नहीं थी इन्होंने बोला फिर मटर पनीर थोड़े से रखे हुए हैं उसी के साथ पुलाव बना दो तो क्योंकि हिम्मत नहीं थी रोटी बनाने की भी और बाहर का खाना कितना मंगाए क्योंकि बाहर का आजकल देखिए नवरात्रि है कैसा बनाते हैं कैसा नहीं तो इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं बाहर का कुछ भी खाना प्याज लहसन हर कोई डालता ही है कितना भी मना कर ले तो इस वजह से कोशिश करी धीरे धीरे करके कि चलो सोयाबीन डाल के और मटर पनीर रखा है एक कटोरी बचाए उसको डाल के मैं पुलाव बना देती हूँ आप सबके लिए और मेरा तो खाने का बिल्कुल मन नहीं था सच में क्योंकि गले में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा मैं तो बार बार गर्म पानी कर कर के पी रही हूँ नमक डाल के बस यहाँ पे सोयाबीन बॉयल करने के लिए रखी साथ में कुकर रखा हुआ है चावल धो दिए मैंने एक कटोरी बची है पनीर की सब्ज़ी वही डाल के पुलाव बना दूँगी काफ़ी अच्छे बन गए थे बस ऐसे ही करके आज सारा दिन निकला मेरा और दो तीन दिन से क्या हुआ ब्लॉग बना ही नहीं और फिफ्थ नवरात्रि का ये ब्लॉग आप लोगों के सामने आ रहा है ना फर्स्ट नवरात्रि पे इतना अच्छा व्लॉग बनाया सारा सब कुछ शूट किया मैंने और सुबह से लेकर पूरा शाम तक का हमारा व्रत कैसा रहा कैसा नहीं माता रानी को कैसे मैंने स्थापित किया कलश वगैरह जौ वगैरह पूरा व्लॉग मैंने फ़ोन में बनाया हुआ था सच में और बच्चों के हाथ लग जाए ना मोबाइल एक बार तो पूरा का पूरा मेरे वीडियो ही डिलीट है फ़ोन से पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं पूरा मोबाइल इन बच्चों ने मेरा रीसेट मार दिया किसने मारा बड़े ने छोटे ने कुछ नहीं पता और जो स्टार्टिंग के वही थे ना गैलरी में जितने भी मेमरीज़ मैसेज सब कुछ होते हैं ना स्टार्टिंग का सब हट जाता है रीसेट मारने से तो वो व्लॉग मेरा हो चुका है डिलीट इसलिए आप लोगों से अब मैं मिल रही हूँ सीधा यहाँ पे फिफ्थ नवरात्रे के दिन और कोई भी नवरात्रि का इससे पहले मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ इसके बाद करूँगी सीधा सप्तमी वाले दिन का जिस दिन हमारा फास्ट होगा लास्ट डे और फिर हम लोग करेंगे सुबह मॉर्निंग में अष्टमी पूजन अष्टमी पूजन इस बार कर रहे हैं ग्यारह अक्टूबर की और ग्यारह को ही नवमी भी कर रहे हैं कई लोग मगर नवमी क्या है बारह तारीख की भी है दशहरे वाले दिन तो चलिए फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग और और आई होप आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे प्लीज़ व्लॉग्स अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन कीजिए जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाले ब्लॉग्स की अब करेंगे दिवाली की तैयारी पहले आपके पास आएगा सप्तमी और अष्टमी पूजन का व्लॉग तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स